जीजाजी, मैंने ना आपके जूते चुरा लिए हैं, और अगर आपको ना आपके जूते वापस चाहिए तो पूरे 2000 रुपए देने होंगे। लाओ। साली साहिबा, आप मेरे दोस्त मटरू से ले लीजिए 2000 रुपए, सारा इंचार्ज इसी को दिया हुआ है। तो फिर लाओ मटरू जी पूरे 2000 रुपए, अगर आप लोगों को जूते वापस चाहिए तो। आप लोगों में गुड मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं है क्या? एक तो आप लोगों की चीजें चोरते हो, ऊपर से हफ्ता मांगते हो, और ये मेरा दोस्त दीनिया, ये 300 रुपए से ऊपर के कभी जूते नहीं पहनता, उसके बदले में आप 2000 रुपए मांग रहे हो, शर्म करो शर्म। यार मतलब क्यों बेइज्जती करवा रहे, दे देना 2000 रुपए। वारे दानवीर करण की 5वीं औलाद, जब मैं तुझसे 70 रुपए पौवे के मांगता हूँ तो तू ऐसे गिड़गिड़ाने लगता है जैसे मैंने तेरी दोनों किडनियां मांग ली हो। और यहाँ थोड़ा सा सुंदर लड़कियों से जीजू जीजू क्या सुन लिया, दे दो ना 2000 रुपए। क्यों, पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या? क्या हुआ मेरे प्यारे जीजू, क्या गटर पटर कर रहे हो? अब दे दो ना 2000 रुपए, अगर जूते वापस चाहिए तो। आप इसे क्या बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो इसे, सीधा मुझसे संपर्क करो। ये तो नाम का ही जीजा है, दाम का जीजा तो मैं हूँ। ओहो मटरू जी, आपका क्या जाता है, दे दो ना 2000 रुपए। ओह प्लीज, आप प्यार से मत बोलिए, क्योंकि थप्पड़ से डर नहीं लगता मैडम, प्यार से लगता है। वैसे भी मैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला, नहीं देता मैं 2000 रुपए, जाओ तुमसे जो सकता है कर लो। तो फिर हम भी नहीं देंगे दुल्हन आपको, आप भी बिना दुल्हन के चले जाओ। अरे दुल्हन तो हमारी हो चुकी, ये जो सामने हमारी भाभी बैठी है पूरी तरह हमारी हो चुकी है। हाँ हाँ, भाभी तो आपकी हो चुकी है, पर भाभी के मुंह दिखाई के पैसे तो दे दो। तो देओ ना दो दालूपिया।